हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पार्ट 3 भवन से अर्धकुंवारी तक का सफर आप लोगों के साथ तय करूंगी। गाइस गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, जस्ट उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेंगे एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हमने आपसे बोला था कि जो पार्ट 3 आएगा वो हमारा अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीडियो लेंथी हो रही थी। तो हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जब हम जाते हैं टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, तो उसकी वीडियो हम आपके साथ शूट करके उसको नहीं शेयर कर सकते वहाँ पे, क्योंकि कैमरा ले जाना या वीडियो वगैरह शूट करना अलाउड नहीं होता है। तो देन हम वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद, क्योंकि नाइट का टाइम था जैसे आप लोगों को पता ही है, दर्शन करने के बाद हम आए हैं, वहाँ से डिनर किया, डिनर करके नाइट में हमने वहाँ पर स्टे किया है। और उसके बाद अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है गाइस, जो हम निकले हुए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर माता वैष्णो देवी के आप दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के नहीं करते हैं तो आपके जो आपने जो दर्शन किए हैं वो असफल माना जाता है। इसलिए आपको जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आपको दो, जब आप वहाँ करते हैं, हम नाइट में ही स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नाइट में क्या होता है कि भैरव बाबा का जो मंदिर होता है वो बंद होता है, वो खुलता नहीं है, तो इस वजह से हमने नाइट में यहीं पे स्टे किया। देन मॉर्निंग में हमने अपनी यात्रा भैरव बाबा के लिए स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे है, अगर आप भैरव बाबा जाना चाहते हैं तो रोप वे की भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जब हम निकल चुके थे तो भैरव बाबा के लिए यहाँ से माता रानी का जो मंदिर है, भवन है, कुछ ऐसा दिखता है। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं, लिखा है भैरव घाटी मंदिर, ये है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव घाटी मंदिर। एंड गाइस, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात मैं और बता दूं कि इसकी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि माता का जो आप मंदिर है, माता के मंदिर से भैरव बाबा के जो मंदिर की जो ऊंचाई है वो 6,600 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं गाइस कि है तो सिर्फ 2 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है कितनी ज्यादा ऊंचाई है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इसकी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब जैसे कि यहाँ पर है, जैसे हम माता के मंदिर आ रहे थे तो बीच बीच में हमें स्टेयर्स मिल रहे थे, वैसे ही भैरव बाबा के मंदिर भी जब हम जाने लगते हैं तो हमें बीच बीच में शॉर्टकट के लिए हमें स्टेयर्स मिल जाते हैं, पर स्टेयर्स जो है वो भी एकदम खड़े स्टेयर्स हैं। मतलब जो चढ़ाई है, चढ़ाई तो खड़ी है ही, और स्टेयर्स आपको और भी एकदम ज्यादा खड़े मिलेंगे। आप पहुंच तो जल्दी जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनकी सांस वगैरह फूलती है, तो वो लोग स्टेयर्स से ना जाएं, उनके लिए ज्यादा ही बेनिफिट होगा क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बंदर दिख रहे हैं आप लोगों को बैठे हुए, यहाँ पर क्या है कि बंदर, इतने बंदर है, आपको बंदरों से सावधान रहना रहेगा। यहाँ आप हाथ में अगर प्रसाद लेके जा रहे हैं, खाने पीने का कुछ भी सामान लिए हैं, या आप वीडियो शूट भी करते हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपसे क्या करेंगे, छीन लेंगे, और आपको पता ही चलेगा आपके यहाँ से कम छीन करके चले जाएंगे। इसलिए अब गाइस, हमने वहां पर वीडियो शूट करना बंद कर दिया था क्योंकि वहां पे बंदर थे, और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। सीढ़ी, क्योंकि हमने स्टेयर्स का सहारा लिया था, हमने स्टेयर्स से आए हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे उससे, बट जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो स्टेयर्स को इग्नोर करें, वहां से ना जाए, वो सीधे अगर चढ़ाई से जाते हैं वहां से जाए। अब यहाँ पे क्या है कि रोप वे की भी आपको सुविधा है यहाँ पर, जो कि है उसका जो चार्ज है रोप वे का वो 100 रुपीज है उसका चार्ज, आने का भी है और जाने का भी, दोनों साइड का, अप डाउन दोनों साइड का 100 रुपीज है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों साइड आना जाना चाहते हैं या सिर्फ एक साइड ही आप जाना चाहते हैं, लेकिन चार्ज जो है वो आपका 100 लगेगा। और जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उनके कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं बंदर, आप लोग देख ही रहे हैं ना यहाँ पर कितने बंदर है। तो हमने जो शूट किया है यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर पहुंच करके, हम दूर से ये वाला शूट कर रहे हैं क्योंकि अगर बंदर देख लेंगे वो फोन भी छीन सकते हैं। इसलिए वहां हम स्टेयर्स पे थे और स्टेयर्स पे ही बंदर वहां पर बैठे हुए थे, तो अगर हम वहां पे शूट करते वो फोन छीन लेते हम लोगों से, या जो भी हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन से कर रहे हैं तो वो छीन लेंगे, हमारे हाथ में अगर कुछ होगा तो वो छीन लेंगे और हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए वहां पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ हम पहुंच गए, जैसे आप देख रहे हैं ये है भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ पर हम आ चुके हैं।
एंड गाइस वहां इसलिए आप सोच रहे होंगे हमने आपको रोपवे का बता दिया कि हाँ रोपवे से हम यहाँ पे सुविधा है कि हम रोपवे से भी आ सकते हैं, बट हम इस वजह से नहीं आ पाए थे यहाँ पर रोपवे से, हमें आना पड़ा, पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम हम गए थे उस दिन रोपवे की सुविधा जो थी वो बंद थी, इस वजह से हमें पैदल आना पड़ा। लेकिन अगर रोपवे आपका चल रहा है, वो भी क्या होता है कि नाइट में नहीं चलता है, जब भैरव बाबा का मंदिर का दर्शन, जो मंदिर के जो भैरव बाबा का जो मंदिर का टाइम होता है ओपन होने का, उसी टाइम पर रोपवे ओपन होता है, तो 7 o'clock से ही वो भी होता है ओपन, तो आप उस टाइम पर आप कर सकते हैं अगर रोपवे चल रहा है तो, अगर नहीं चल रहा है तब फिर नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये देखिए हम ऊपर चढ़ गए, आपको पता है 6,600 फीट की दूरी पर है माता के भवन से, कितने नीचे दिख रहा है, हमने इसको जूम करके आपको पास से दिखाया है, माता का जो मंदिर का भवन है वो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए गाइस। देखिए यहाँ पे कितना व्यू, कितना अच्छा दिख रहा है, पहाड़ देखिए कितने अच्छे, मैं इसको हमने जूम करके लिया है, इस जो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे गाइस, भैरव बाबा के जो है दर्शन करेंगे, जैसे आपको पता है पहले ही बताया कि मंदिर में हम छूट नहीं कर सकते, तो हम दर्शन करके देन आपसे मिलते हैं आगे। गाइस जैसे कि आप जरूर देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं, दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर, वहां का दर्शन करेंगे। अब जैसे देख रहे हैं आप यहाँ से क्या है, अब हमें नीचे नीचे जाना है, अब हमें चढ़ाई नहीं चढ़ना है, अब हमें नीचे नीचे जाना है, क्योंकि नीचे नीचे ही जाएंगे, अर्धकुंवारी के मंदिर के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर हमें उसके बाद अपने होटल कटरा के लिए हम निकल जाएंगे वहां के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ का जो व्यू देखिए, ऐसे कुछ व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, जैसे आप लौटते हैं देख रहे हैं शूट वगैरह करते हैं, तो बहुत ही व्यू जो है बहुत ही सुंदर लगता है। नाइट में अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपको हमने नाइट का भी दिखाया था, नाइट का भी व्यू बहुत अच्छा लगेगा, और इस टाइम अगर आप देखते हैं तो आपको मॉर्निंग में भी देखेंगे तो व्यू आपको बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ का व्यू। गाइस अर्धकुंवारी जाते समय रास्ते में साजी छत पड़ता है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है वे टू हेलीपैड, तो अगर आपने हेलीपैड बुक किया हुआ है तो उसकी जो सुविधा है आपको यहीं से मिलेगी, आपको यहाँ से भवन तक के लिए हेलीपैड लेकर के जाएगा। अगर आप कटरा से बुक करे होंगे, कटरा से सांझी छत के लिए बुक करे होंगे, तो वो कटरा से आएगा और सांझी छत यहाँ पे आपको उतार देगा। अगर आप यहाँ से बुक करे हैं भवन के लिए, तो वो आपको यहाँ से लेकर के जाएगा भवन तक। आप ये भी कर सकते हैं गाइस कि अगर आपको कटरा से आप सीधे भवन के लिए भी बुक कर सकते हैं हेलीपैड, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा, अगर आपने हेलीपैड लिया है तो आपके ऊपर है आप कहाँ से कहाँ तक का बुक करते हैं। लेकिन सुविधा जो है वो ये है कि आप वहां से भी कर सकते हैं, कटरा से भी कर सकते हैं सांझी छत के लिए, और सांझी छत से भी आप कर सकते हैं भवन के लिए, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कटरा से भवन तक के लिए। गाइस अब हम यहाँ पर सांझी छत पर आ चुके हैं, यहाँ पे क्या है जैसे कि आप देखिए लिखा हुआ है प्रसाद वगैरह, यहाँ पर सब मतलब हर चीज की सुविधा है यहाँ पर, क्योंकि माता का जो प्रसाद है वो यहाँ पर पानी भी पीने का मिलेगा, मतलब किसी भी चीज की हमें जरूरत हो, मतलब अगर हमें रुकना है, हमें वॉशरूम वगैरह यूज करना है, किसी भी चीज की हॉस्पिटल या कि कुछ भी अगर हमें पूछताछ करनी है किस लिए हम कहाँ है, तो हम यहाँ पर हम रुक कर स्टे भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखा प्रसाद। गाइस अब हम यहाँ पर प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर के फिर हम निकलेंगे माता के, अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए निकलेंगे। गाइस जैसे कि ये सांझी छत है, ये एंट्री आपको दिख रहा है यहीं पर है, हम इसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर प्रसाद लेंगे, यहाँ पे इसी के अंदर आपको प्रसाद मिलता है, प्रसाद जो भवन है वो यहीं पर है, और ये उसके बाहर का एरिया है, बाहर का जो नजारा है जो आपको दिखा रहे थे।
प्रसाद हमने ले लिया गाइस, प्रसाद लेके अब हम फिर निकल चुके हैं अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए। एंड गाइस, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि पिट्ठू, घोड़ा, पालकी, अगर आप लोग ये सब कुछ बुक करना चाहते हैं, बीच बीच में आपको काउंटर मिलते रहते हैं, प्रीपेड काउंटर, तो आप यहाँ से अगेन से, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते, तो आप यहाँ से बीच बीच में आपको काउंटर मिलते रहेंगे। जैसे कि ये देखिए, एक काउंटर यहाँ पर भी है, तो आप बुक कर सकते हैं यहाँ पर भी, कहीं भी आप बुक कर सकते हैं, बीच बीच में ऑलरेडी आपको दिया रहेगा काउंटर के लिए। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, दूर से दिख रहा है, अब हम अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके हैं। ये आपको हमने जूम करके दिखाया हुआ है, मतलब लगभग एकदम पास आ चुके हैं। ये जो आप इधर आपको ये सब दिख रहा है, जितने भी आपको होटल्स वगैरह ये दिख रहे हैं, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप आए हैं, आपको लग रहे हैं आगे आगे आप नहीं जा सकते, नाइट का टाइम हो गया है, या आगे आपको रेस्ट करना है, तो आप रुक के स्टे कर सकते हैं यहाँ पर। हर चीज की सुविधा आपको मिल जाएगी यहाँ पर। गाइज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, गर्भजून जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन करने के लिए आप जाना चाहते हैं गुफा के लिए, वहां के लिए आप पर्ची कटवाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लाइन बहुत ही लंबी लाइन लगती है यहाँ पे आपको एक बार में, क्योंकि क्या है कि 50 लोग की ही सिर्फ एंट्री होती है यहाँ पर, लाइन इतनी लंबी लगती है। ये जैसे आप देखिए लिखा हुआ है गर्भजून पर्ची कक्ष, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपनी पर्ची जो है कटवा लेनी होती है। कटवाने के बाद आपको वेट करना पड़ता है, आप उसके बाद आप वेट करते हैं यहाँ पर, जो आपने देखा होटल्स वगैरह हैं स्टे करने। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेकेंड डे टाइम आता है, सेकेंड डे आपका जब चांस आएगा, देन आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आप निकल सकते हैं। अगर आप नहीं है, आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपका टाइम आता है बहुत ही, अगर भीड़ नहीं होती देन एंट्री कर सकते हैं वहां पर। गार्ड से अगर आप बात करते हैं कि आपको इमरजेंसी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलती है। जब आपका नंबर आएगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए ज्यादातर लोग करते क्या है कि जब वो, अगर वो कटरा से स्टार्ट करते हैं चढ़ाई चढ़ना, हमने आपको स्टार्ट करने पे जब आपको बताया था कि दो मार्ग आया था, एक हिमकोटी मार्ग था, एक हाथीमत्था मार्ग था। अगर आप हाथीमत्था मार्ग को चूज करते हैं, जो लोग हाथीमत्था मार्ग से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे पर्ची कटवा लेते हैं, क्योंकि बीच में ही भवन बाद में पड़ेगा, बीच में अर्धकुंवारी मंदिर आ जाएगा पहले। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पर्ची अपनी कटवा लेते हैं, कटवाने के बाद देन वो जाते हैं भवन के लिए माता रानी का दर्शन करने के लिए। वहां से जब वो माता रानी का, भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं, देन उनके पास पर्ची होती है, उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता है, वो एंट्री करके जाके दर्शन करके आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप वहां पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप उसी टाइम पर लेंगे, जैसे कि हमें पता नहीं था, तो हमने यहाँ पर इसलिए इस टाइम पर आए, लेकिन टाइम अच्छा था, यहाँ पर भीड़ नहीं थी उस टाइम पर, तो हमने भी गार्ड से बात की, नहीं तो अगर शायद भीड़ होती हमें गार्ड से बात नहीं करनी मिलती था, हमें नेक्स्ट डे करना पड़ता, हमें यहाँ होटल में अगेन से होटल लेकर के यहाँ पे स्टे करना पड़ता, देन नेक्स्ट डे हमारा टाइम आता। इस वजह से भीड़ नहीं थी, हमारे लिए बेनिफिट हो गया कि हम दर्शन, गर्भजून जो मंदिर है वहां के दर्शन हमने कर लिया था आराम से। तो इसलिए अगर आप लोग जाते हैं जिस टाइम पर, आपको पता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर रश होगा, भीड़ होती है जिस टाइम पर, समर के टाइम पर होती है ज्यादा, तो आप हाथीमत्ता मार्ग से अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो पहले आप टिकट कटवाइए, देन आप दर्शन करिए, जिससे आप वापसी में आएंगे तो आपको आराम से माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, आप आराम से जा सकते हैं। एंड गाइस, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र गर्भजून गुफा की जो कुल लंबाई है वो है 25 फुट 7.65 मीटर है, जिसमें से रेंग कर निकलना पड़ता है, मतलब आपको रेंग कर निकलना पड़ेगा, आप खड़े होकर के या बैठ करके वहां से नहीं निकल सकते, आपको रेंग के निकलना पड़ेगा। और आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पर बहुत ही 50 लोग के एक साथ होते हैं, और लाइन बहुत लंबी लगती है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जब आप लाइन लगाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर लग सकता है। तो आपके पास जितनी इस तरह से, अगर आपको पता है कि हाँ इतना टाइम है, तभी आप अंदर जाइए, अदरवाइज आप मत जाइए। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है, देखिए 25 फुट 7.65 मीटर है, रेंग कर निकलना पड़ता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको रेंग कर निकलना है, कितना टाइम आपको लग सकता है। लाइन तो लगती ही है, प्लस जब आप दर्शन करते हैं वहां पर जाते हैं माता रानी के, आपको रेंग कर निकलना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको टाइम लग जाता है। एंड गाइस, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, गर्भजून गुफा के दर्शन करेंगे। आपको पता ही है कि हम कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, नहीं ले जा सकते हैं। गाइस, अब हम यहाँ से
दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम कटरा के लिए निकल जाएंगे। हमारी जो यात्रा होती है वो यहाँ यहीं से एंड होती है। हम निकल जाएंगे कटरा के लिए। यहाँ से कटरा की जो दूरी पड़ेगी वो 6 किलोमीटर की है। अब हम यहाँ से निकलेंगे। जैसे हम आए थे, पैदल आए थे, तो हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से। और रास्ते में इसमें एक चीज है, यहाँ पर एक सुविधा आपको और मिल जाती है रास्ते में। जैसे आप वापस जाते रहते हैं, आपको लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हैं या बहुत ज्यादा आपके बॉडी पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो बीच बीच में आपको स्पा वगैरह के लिए, बॉडी स्पा, ये सब आपको हर चीज की सुविधा मिल जाएगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, वो सब भी बॉडी स्पा वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप बीच में रुक करके वहां पे रेस्ट कर सकते हैं, बॉडी स्पा वगैरह भी ले सकते हैं आराम से बैठ करके वहां पर। और अगर आप वहां पे फोटो वगैरह, जैसे कि है, फोटो वगैरह भी आप क्लिक वगैरह करवा सकते हैं वहां पे। तुरंत आपको हैंड टू हैंड फोटोज मिल जाएगी, आप बनवा सकते हैं अपने फोन से तो खींच रहे हैं, बट आप वहां पे जैसे होता है कि आपको वहां के क्लोथ्स वेयर करके अगर आप करना चाहते हैं, तो आप फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, हर चीज की यहाँ पर सुविधा है। आप रुक करके भी जा सकते हैं आराम से, स्टे करते हो, जैसे आप चढ़ाई करते हैं स्टे रुक रुक करके, वैसे आप अगर उतरना चाहते हैं रुक करके स्टे करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड गाइस, अब हमारी यात्रा होती है एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, जस्ट उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेंगे। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दें, जो जाना चाहते हैं, जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, तो आप उनके साथ भी शेयर करें। एंड वीडियो को करते हैं गाइस एंड, बोलिए जय माता दी।